नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स बाय रोहित सिंह कलगोत्रा ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों, ये मेरा एक न्यू यूट्यूब चैनल अकाउंट है जिसका नेम है ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स। इसका मतलब कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, बस ऑनली ऑन वॉच बाय रोहित सिंह कलगोत्रा यूट्यूब चैनल। तो आपको सर्च करना है ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स। तो दोस्तों, चलिए आते हैं, हम अपनी बात की तरफ आते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स का मतलब है कि आप घर बैठे आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। जो लोग कंप्यूटर सीखने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जो घर से नहीं निकलना चाहते, धूप में बाहर घर से नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए स्पेशल मैंने एक चैनल बनाया है। जो छोटे बच्चे जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो आजकल के ज़माने में हर इंसान के पास एंड्रॉयड मोबाइल तो होता है मैक्सिमम, तो वो सभी घर बैठे बैठे कंप्यूटर की जानकारी ले सकते हैं। कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी सवाल आपके मन में आए वो कमेंट में आप हमें बताइए। तो चलिए कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करते हैं। बेसिक आज हम आपको डेस्कटॉप के बारे में बताएंगे, वॉलपेपर के बारे में बताएंगे और इसके टूल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से मिनिमाइज होता है। तो दोस्तों, ये है विंडोज 7 की डेस्कटॉप ब्राउज़र और यहाँ पर आप माउस से करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिफ़्रेश का बटन दिखेगा। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करें तो इसे रिफ़्रेश कर दें 2-3-4 बार, जिसके कारण आपके पीसी में, लैपटॉप में, टैब में, कंप्यूटर में वायरस आने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है विंडो का निशान दिख रहा है, यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे पेंट। सबसे पहले जब भी हम कंप्यूटर कोर्स करते हैं, हमने सीखा भी है, तो वो सबसे पहले हमें सिखाते हैं पेंट। हमें बेसिक कम पेंट करना होता है, तो सबसे पहले हम जाएंगे पेंट में। ये ओपन हो रहा है, यहाँ से देखिए मिनिमाइज होता है और यहाँ से फुल स्क्रीन दिखती है और यहाँ से क्लोज, ताकि जो आपके सामने ये जो डेस्कटॉप है, जो आपके सामने ये इसका जो पेज खुला है, यहाँ से क्रॉस करने से ये ऑफ हो जाता है। तो हम इसे ऑन करेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे पेंट की ऑप्शन। यहाँ पर आपको पेंसिल मिलेगी और यहाँ पर रबर मिलेगा और यहाँ पर आपको फिलिंग करने के लिए कलर्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको हर प्रकार की शेप्स मिलेगी। आप कोई भी शेप लिख सकते हैं, जैसे हमने ये ली शेप यहाँ पर सिक्योर टाइप में ली है। हम बनाने जा रहे हैं होम और फिर हम इसे यूज़ करेंगे। हम ये वाला कोन लेंगे यहाँ पर और इसे रख देंगे यहाँ पर और इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। फिर हम लेंगे एक ये लाइन, लाइन भी आप ले सकते हैं। तो दोबारा हम लेंगे और इसे यहाँ से देखिए आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिंपली से आप हम रफली बता रहे हैं आपको, ये विंडो आ गई होम की। तो ये आपका मेन दरवाज़ा आ चुका है। तो फिलिंग कलर क्या होते हैं, फिलिंग कलर आप यहाँ पर जाएंगे और फिल कलर कौन सा कलर करना चाहते हैं आप, येलो करेंगे, ब्लू करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर येलो किया है, अभी हम दूसरी विंडो में ग्रीन करेंगे। हम जो डोर है उसे कर देंगे ब्लैक। और यह दोस्तों पेंटिंग, इसमें पेंटिंग करने के लिए आपको सारे टूल ब्रशेस यहाँ पर हैं। आपको साइज़ कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, वैसे आप कर सकते हैं। आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी कीजिए। और कंट्रोल जेड के साथ आप इसे हटा सकते हैं। एक कंप्यूटर में हम आपको एक कमांड बताऊंगा। ये कमांड सबसे पहले जो जब कंप्यूटर बना था इसमें बनाई गई थी, हमें अभी नॉलेज हुआ है इसका। जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी इसमें टाइप करेंगे, अगर आपने वो उसे डिलीट कर दिया, अगर आपको चाहिए तो आपको ओनली कंट्रोल जेड करना है, वो चीज़ वापस आ सकती है। जो आपने पेंट की होगी वो वापस आएगी, जो आपने शीट बनाई होगी वो वापस आएगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये पेंट है, ये नॉर्मली पेंट आप यहाँ पर पेंट कर सकते हैं और भी आप यहाँ पर शेप्स ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने ये शेप ले लिया और एक शेप हम यहाँ पर ले लेंगे, इसे भी आप फिल्स कलर कर सकते हैं, जो आपका मन करे रेड कीजिए, मन करे आपको ब्लू कीजिए, फिर आप इसे सेट कर सकते हैं। तो इसी घर को कंप्लीट करने के लिए हम थोड़ा इसे डिज़ाइनिंग में दे सकते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जैसे भी आपका मन करे, जो आपका मन करे वैसे डिज़ाइन इसमें डाल सकते हैं। पेंट में हर प्रकार के आपको कलर्स मिलेंगे यहाँ पर और उसका आप इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। देखिए हम रफली बता रहे हैं आपको, इतना हमें ठीक से नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी हम इसे होम तैयार कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये होम तैयार हो रहा है। देखिए जब भी आप इसे यूज़ करें और बिल्कुल लाइन लाइन के लाइन पर रखें ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पेंटिंग थी आज की। तो यहाँ पर आपको टूल्स मिलेंगे, रबर मिलेगा, जैसे ये रबर मिला है। अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप इसे डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर। और देखिए मैंने इसे साफ़ कर रहा हूँ
और अभी कंट्रोल जेड करूंगा तो पूरा वापिस आ जाएगा। और जो हमने होम बनाया, अगर हम इसे रबर के साथ साफ करेंगे तो पूरा हमने क्लियर कर दिया। देखिए हम रफली कर रहे हैं, देखिए सिर्फ मैं करूंगा कंट्रोल जेड और ये सारा घर का घर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पेंट, इसमें आपको साइज मिलेंगे, कलर्स मिलेंगे, आपको शेप्स मिलेंगी, स्टार के शेप्स मिल सकते हैं आपको, स्टार बनाना हो फिर फिल्स कलर में जाकर आप इसे कलर कर सकते हैं। जैसे पिंक कलर हमने कर दिया, सॉरी रेड कलर, जो मर्जी आपका यूज मन करे उस कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर व्यू में जा सकते हैं, फुल स्क्रीन से देख सकते हैं कि आपने इसे तैयार कैसे किया है। तो फिर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको सेव कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया और इसका नाम क्या देंगे, हम इसे नाम देंगे होम स्वीट होम। तो दोस्तों ये मैंने कर दिया सेव। जब भी आप, अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं, आप देखिए यहाँ से हम ओपन करेंगे, रिस्टोर हो सकता है, मूव क्लोज, हम इसे क्लोज कर देंगे। तो अभी हमने, अगर जो हमने आपके सामने अभी जो पेंटिंग की है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं, आप नॉर्मली यहाँ पर जाएंगे, सर्च में जाएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे होम स्वीट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ चुका है होम स्वीट होम और ये आ गया आपकी ड्राइंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ये थी आज के लिए ड्राइंग, आप इसे 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो आप घर पर इसे ट्राई कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आपको मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, आई डोंट केयर किया जो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेगा, मैं उन्हीं के लिए वीडियो अपलोड करूँगा, इट्स नॉट। बट आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए, अगर जिसको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर अपने व्यूज़ दीजिए, और जो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, प्रॉब्लम मेरे वीडियो के रिलेटेड, आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय।